सब्सक्राइब करें थैंक्स इशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंत ने आज जो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि खुदावंत ने आज हमें जो जीवन दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा है। आपने मेरे घर, मेरे बेटे और बेटियों, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या कहता है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज इतने लोग आशीषित होंगे जिनके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, उनके हर एक पल हर एक घड़ी आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े उद्धार करने वाला है। आज आपके घर में कोई रोगी नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, आपके घर में कोई रोगी नहीं रहेगा यदि आज हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पढ़ सकते हैं यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर यहाँ पे 4 में लिखा है। यिर्मयाह के द्वारा यहाँ पे लिखा गया और कहा गया उसके जीवन में जो घटना घटती है वो बताता है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। लिखा है, तब यहोवा यह वचन मेरे पास पहुँचा, तब परमेश्वर से कहता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 5 में लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझे तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। ये परमेश्वर का वचन आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए है। आज जितने लोग हैं परमेश्वर का वचन आज आपके पास पहुंचा है, आज आप सुन रहे हैं, आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज आप प्रार्थना करेंगे भी और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब ये परमेश्वर का वचन जब यिर्मयाह के पास पहुंचा, जैसे आज आप लोगों के पास पहुंचा है और आप सुन रहे हैं, उसी तरीके यिर्मयाह के द्वारा उसके जीवन में ये वचन पहुंचता है। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा और उसके बाद परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे क्या कहता है, बाइबल जो हमें बताती है, उसके बाद यिर्मयाह ने क्या कहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया है। आज परमेश्वर हमें जानता है, गर्भ में रचने से पहले वो हम पर चित लगाया है, तभी तो एक माँ के कोख में परमेश्वर ने हमें रचा है। परमेश्वर ने हमें रचा है, इससे पहले और कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि वो खुद माँ नहीं जानती है जिसके गर्भ में बच्चा होता है कि ये कौन है, ये लड़का है, ये लड़की है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आज उसके जीवन में मैं उसे अभिषेक करूंगा, उसके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरा अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज खुदावंत हर एक एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आज जो रोग हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, परेशानी हैं, आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं रहेगा क्योंकि याद रखिएगा कि परमेश्वर ने हमें ठहराया है, हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, श्वास दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन 6 में कहता है, तब मैंने कहा, हाँ प्रभु, यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु 7 में लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझसे आज्ञा दूंगा तुझे वही तू कहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो आज हमें आज्ञा दी है, जो वचन दिया है, आज उसको लेकर के जो आज्ञा का हम पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी वो आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे यिर्मयाह को जब भेजता है और कहा जाता है कि जो मैं तुझे कहूंगा, परमेश्वर ने कहा जो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ वही तू करेगा। और यदि हम अपने जीवन में ऐसे ही काम करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है तो हमारे जीवन में ना कभी धन की दौलत कमी होगी, ना कभी किसी प्रकार की कोई कमी होगी, ना हमारे घर में कोई अनपढ़ रहेगा, ना हमारे घर में कभी किसी प्रकार की शैतानी ताकत आएगी, ना किसी प्रकार की बुराई होगी, ना किसी प्रकार की समस्या होगी। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको शिक्षित बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको अभिषेक किया है, हर एक एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर ने क्या किया है, अभिषेक किया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 8 में लिखा है,
तूने मुंह को देख करके मत कह क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ा करके मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैं अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। परमेश्वर वचन कहता है, देख मैंने वचन को तेरे मुंह में डाल दिया है, आज आप आज्ञा देंगे। परमेश्वर ने जैसे यिर्मयाह के जीवन में काम किया, वैसे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, देख मैंने तेरे मुंह में क्या वचन को डाल दिया है, आज इस वचन का इस्तेमाल आपको करना है, आज आप आज्ञा देंगे वचन के द्वारा। जैसे यिर्मयाह ने दिया था, यिर्मयाह रोगी हो गया था, मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया ताकि वो अपनी हर एक चीजों में परमेश्वर उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा उसे आगे बढ़ा सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 10:1-10 यिर्मयाह में, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यहाँ पे परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात कही। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे राज्य का अधिकारी ठहरा। आपको भी परमेश्वर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, बड़ी बड़ी पोस्टों पर, बड़ी बड़ी कामों पर आपको रखेगा, ताकि परमेश्वर का जो वचन कहता है, राज्यों पर मैंने आपको अधिकारी ठहराया है, गिरने और जो भी किसी प्रकार का काम होता है उसके लिए रोकने के लिए मैंने तुझे चुना है। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी बातें हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। इस समय जो आपकी सिचुएशन है वो हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं, हर एक व्यक्ति एक दूसरे की बातों को जानता है, लेकिन जो समाज आज हमें देता है वो परमेश्वर हमें कभी नहीं देता है। इसलिए याद रखिएगा, समाज जो हमें देता है वो परमेश्वर हमें कभी नहीं देता है, इसलिए क्योंकि समाज में जो कुछ है वो सब बुरा ही है। इसलिए याद रखिएगा, आपका मन यदि आज एकदम स्वच्छ है और परमेश्वर के सामने आप घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा आपके जीवन में, आपका जीवन तो सही होगा, आपके पीछे आपका परिवार, आपका घर, आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके काम, आपका बिजनेस, आपका जॉब, हर एक चीजों में आपको परमेश्वर बड़ी उन्नति पर लेकर जाके खड़ा करने वाला है। आज जो रोगी हैं, आज जो बीमार हैं, उनके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और मैं जानता हूं कि आप हमारे थैंक्स यीशु परिवार से जुड़े हुए हैं। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी किया करिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ा करके कहें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे गर्भ में रचने से पहले और जन्म लेने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। इस बात को हमें याद रखना है। क्या कहा है? गर्भ में जन्म लेने से पहले और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि जिस तरीके मैंने सृष्टि के लोगों से प्यार किया है, वैसे हर एक मसीह भाई बहनों से आज हमारा खुदावंद प्यार करता है। तो अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इसमें सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता, कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आपने जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है हमें, हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहने हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए, परमेश्वर का
वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुखाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसौलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सत्कलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटी के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों नहीं हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर
करके यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से। यीशु मसीह के नाम से विदा परमेश्वर। आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा है वो निकलने वाली है, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही है यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा क्यूआर कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप क्यूआर कोड से भेजना चाहते हैं तो क्यूआर कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।